तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं नितेश और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं कि टेक्निकल योगी सर की तरह हम अपने वीडियो का थंबनेल कैसे बनाएं। जी हां दोस्तों, अगर आप उनके थंबनेल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आप भी ये देख के सोचते होंगे कि आप भी इन्हीं की तरह अपने मोबाइल फ़ोन से ही इन्हीं की तरह थंबनेल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कैसे आप योगी सर की तरह अपने वीडियो का थंबनेल बना सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो टेक्निकल योगी सर अपने वीडियो के अंदर टेक्स्ट और साउंड एक साथ ऐड करते हैं वो कैसे ऐड करें। तो उस वीडियो पे आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था, काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया था उस वीडियो पे। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो पे भी वैसा ही सपोर्ट प्यार आप सभी दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो है पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको YouTube थंबनेल का साइज सेलेक्ट करना होगा। तो उसे करने के लिए थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इमेज साइज़ पे जाएंगे और यहाँ से YouTube थंबनेल का साइज सेलेक्ट कर लेंगे। अब इतना कर लेने के बाद आप देख सकते हो इसी साइज़ में जो है हमारा थंबनेल बनता है। आप सभी को पता है, मुझे नहीं लगता कि आप सभी को बताने की ज़रूरत है। अब इतना करने के बाद आपको सबसे पहले अपने थंबनेल का बैकग्राउंड लगाना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सब सीख रहे हैं कि योगी सर की तरह थंबनेल कैसे बनाएं। तो हमें ये भी देखना होगा कि योगी सर जो है अपने थंबनेल का बैकग्राउंड कैसा लगाते हैं। तो उसे देखने के लिए सबसे पहले आपको उनका एक थंबनेल डाउनलोड करके रखना होगा, इसीलिए मैंने उन्हीं का एक थंबनेल मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं जल्दी से फटाफट गैलरी से यहाँ पर उनका थंबनेल एक यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने योगी सर का एक थंबनेल डाउनलोड करके रखा हुआ है। और आप इस थंबनेल का जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हो कि एक तरफ जो है आपको एक हल्का कलर देखने को मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको पूरा डार्क यानी ब्लैक कलर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा बैकग्राउंड ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं आप सभी को इसी वीडियो में सिखाऊंगा कैसे आप इस तरह के बैकग्राउंड बना सकते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने ऐसा बैकग्राउंड बना कर रखा हुआ है और मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके अपने थंबनेल के लिए उस बैकग्राउंड का यूज़ कर पाएंगे। मैं यहाँ से फटाफट यहाँ पे इस थंबनेल का बैकग्राउंड यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो उसे करने के लिए बस आपको इस पर क्लिक करना है, देन आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको उस बैकग्राउंड के यहाँ से ऐड कर लेना है। देख सकते हो सेम टू सेम वैसा ही बैकग्राउंड ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वाइट रेक्टेंगुलर शेप लाना होगा। यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है चार मस्त अपडेट, उसके नीचे अगर देखेंगे तो आपको एक वाइट कलर की पट्टी देखने को मिल रही है। तो ऐसा पट्टी कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इसे साइड में कर देता हूँ, मैं छोटा सा इसे करके यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, शेप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको एक स्क्वायर शेप का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब करने के बाद इसको आपको रेक्टेंगुलर करने के लिए आपको यहाँ पे खींच देंगे लंबा और यहाँ पे पतला कर देंगे, आपको जितना चाहिए आपको उतना यहाँ पे कर लेंगे। तो इतना कर देने के बाद अगर आप योगी सर का थंबनेल देखेंगे तो योगी सर का जहाँ फेस है, जहाँ पे उनका हेयर है, वहीं पे वाइट पट्टी पे देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई फॉग धुआं धुआं की तरह है। तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें शैडो लगाना होगा, जो ये रेक्टेंगुलर शेप है इसमें आपको एक शैडो लगाना पड़ेगा। शैडो लगाने के लिए बस आपको इसको सिलेक्ट करके रखना है और फिर आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक इनर शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इसे एनेबल कर देना है। एनेबल कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैक कलर में शैडो लगा हुआ है, तो आपका जैसा बैकग्राउंड है उसी कलर का आपको यहाँ पर शैडो लगाना है। तो उसके लिए बस आप इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे अपने बैकग्राउंड से ही और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर यहाँ से ओके कर देंगे, देख सकते हो वैसा ही सेट आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे ब्लर रेडियस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है, इसको इंक्रीज कर देना है और जो ऑफ सेट एक्स का ऑप्शन है आपको यहाँ से इसे कम जो है कर देना है। जी आपको जितना चाहिए उतना यहाँ पे कम कर देंगे, मुझे इतना चाहिए, मैंने इतना कम कर दिया है। अब कम करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ला के यहाँ पे रख देना है, कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे रख देना है। अब इतना कर देने के बाद आप यहाँ देखेंगे योगी सर ने अपना यहाँ पे फोटो लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ से अपना फोटो भी ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से मैंने PNG फॉर्म में अपना फोटो यहाँ पे बना कर रखा हुआ है, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अभी सेम वैसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इतना यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया है। अब कर देने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये रेक्टेंगुलर शेप है और ये जो आपका फोटो है इसको आपको लॉक कर देना है ताकि आपको दिक्कत ना हो एडिटिंग में आगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके और इन दोनों को यहाँ पे लॉक कर देंगे।
अब मैं यहाँ से सिंपल सा योगी सर का जो थंबनेल है उसे मैं फ्रंट में लेता हूँ और यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। तो इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट है यानी जो थंबनेल पे लिखा हुआ है चार मस्त अपडेट न्यू यूट्यूबर की मौज हो गई, इन सबको पहले मैं यहाँ से फटाफट लिख लेता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो चार मस्त अपडेट है तीनों को अलग अलग आपको करके लिखना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा थंबनेल बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ से फटाफट तीनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे जिस टेक्स्ट की ज़रूरत थी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पहला यहाँ पे चार मस्त अपडेट और उसके अगला था न्यू यूट्यूबर की मौज हो गई। इतना मुझे टेक्स्ट की ज़रूरत थी, मैंने इन सबको लिख लिया है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कि योगी सर ने जो है इन सब का फॉन्ट लगाया हुआ है, तो आपको इसकी जो फॉन्ट है आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हिंदी वर्ड है उसको हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला है मस्त, तो आपको यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से माई फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको एक फॉन्ट ऐड कर लेना है। दोस्तों योगी सर की तरह सेम फॉन्ट तो नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मिलता जुलता फॉन्ट यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे भी डाउनलोड करके अपने फॉन्ट के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इतना अभी कर देने बाद यहाँ से ओके कर देंगे, देख सकते हो मिलता जुलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मौज हो गई है इसको भी क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसे फॉन्ट पे जाना है और फिर यही वाला हिंदी वाला फॉन्ट यहाँ से ऐड कर लेना है। टेको मीडियम नाम है इसका, यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हिंदी वाले वर्ड थे मैंने उसका फॉन्ट चेंज कर लिया है, जैसे मस्त मौज हो गई, इन दोनों को मैंने चेंज कर लिया है। उसके बाद जो इंग्लिश वर्ड है अपडेट न्यू यूट्यूबर, इन दोनों का जो फॉन्ट है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे जो है आपको अपडेट वाले पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे माई फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे जाने के बाद आपको रिसेंट्स पे क्लिक करना है। आप सभी के पास ऐसा फॉन्ट होगा, गौतम ब्लैक इटैलिक का फॉन्ट आप सभी के पास होगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा। तो आप यहाँ से गौतम ब्लैक इटैलिक को आपको सेलेक्ट करके कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब देखो इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे जो न्यू यूट्यूबर का जो फॉन्ट है उसको भी करना होगा। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब करने के बाद फिर फॉन्ट पे जाना है और फॉन्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पे मीम फॉन्ट वाला सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये मीम फॉन्ट वाला आपको इस एप्लीकेशन में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर ध्यान देना है, पहले जो न्यू यूट्यूबर है बस इसी को यहाँ से सेलेक्ट करना है और मीम फॉन्ट को लगा देना है। अब इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे जो की लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करना है इतना, और माई फॉन्ट पे जाके जो हिंदी वाला था टेको मीडियम इसको क्लिक कर देना है और यहाँ से जो है ओके कर देना है। इतना कर देने के बाद हम इस जो फोर लिखा हुआ है इसका भी फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं। तो बस आपको सिंपल से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉन्ट में चले जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद आप यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट इसके लिए यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक फॉन्ट यहाँ से यूज कर लेता हूँ, वही मीम फॉन्ट वाला, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट है, उसका यहाँ पे कलर चेंज करना होगा। तो योगी सर का आप देख सकते हो कि उन्होंने चार मस्त अपडेट को रेड एंड थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में लिखा हुआ है। तो ऐसा कलर बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फोर वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैंने ऐसा कलर बना के रखा हुआ है, बस मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कलर आप कैसे बना सकते हैं। आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से रेड वाला और यहाँ से ब्लैक कलर वाला। यहाँ से ईजिली इन में से किसी का भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कलर आप ईजिली बना सकते हैं। इस करने के बाद आपको यहाँ पे जो जो रेड कलर में है आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। पहला मस्त है, इसको भी हम इसका कलर चेंज फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ से भी मैं इसका कलर जल्दी जल्दी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपडेट वाला इसका भी हम कलर यहाँ से जो है फटाफट कर लेते हैं। अब इतना कर देने के बाद जहाँ जहाँ पे जो जो लिखावट है उसको हम यहाँ पे फॉन्ट लगा देते हैं। यहाँ पे था अपडेट, तो हम धीरे धीरे करके सबको अपनी अपनी जगह पे यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं जैसे जैसे लगा रहा हूँ ठीक वैसे ही आप लगा सकते हो, आप जैसा थंबनेल बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट इसको भी लगा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ मस्त देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन होना चाहिए, तो इसे डाउन करने के लिए आपको इधर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बी स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप थोड़ा सा यहाँ पे आई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा देखेंगे राइट साइड में थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ से सिंपल सा ऐसे करना है और यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे कर देने के बाद आपको सिंपल सा इसको अच्छे से तरीके से यहाँ पे लगा देना है। मैं यहाँ पे सबको एक एक करके धीरे धीरे करके सबको यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इन सबको इस तरीके से लगा देना है। अब देख सकते हो ये लग गई। अब उसके बाद है न्यू यूट्यूबर की, तो इसका भी कलर आपको लगाना पड़ेगा। तो कलर लगाने के लिए बस आपको इसे सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि न्यू यूट्यूबर और की दोनों का कलर अलग अलग है। न्यू यूट्यूबर का कलर यहाँ पे येलो कलर का है और की जो लिखा हुआ है वो वाइट कलर का ही है। तो हमें सिर्फ न्यू यूट्यूबर का कलर चेंज करना है, तो हम इस सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर का ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और इसे सिर्फ न्यू यूट्यूबर यहाँ से नीचे सेलेक्ट करेंगे। और इसका कलर हमें सेलेक्ट करने के लिए बस आपको प्लस पे क्लिक करना है, फिर ड्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसी थंबनेल पे आ जाना है, योगी सर के थंबनेल पे। और जो भी कलर हमें चाहिए आपको यहाँ से सिंपल सा इस सर्कल को वहीं पे ले जाना है और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है।
देख सकते हो सेम टू सेम वैसा ही कलर आ गया है। अब इतना कर देने के बाद आप देखेंगे कि योगी सर का जो न्यू यूट्यूबर की लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डाउन, यानी राइट साइड में थोड़ा सा डाउन है, तो हम इसे भी डाउन कर देंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको बी स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसे भी जो है आई पे क्लिक करके डाउन कर देंगे। अब कर देने के बाद आपको यहाँ पे जो जहाँ पे है उसे सिंपल सा इसे लगा देना है, तो मैं यहाँ से सिंपल सा इसे बड़ा करके यहाँ पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जो न्यू यूट्यूबर है वो मैंने उसको उसके सही जगह पे लगा दिया है। अब इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे लास्ट में लिखा हुआ है मौज हो गई, तो हमने इसे भी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसे हम यहाँ पे लाएंगे और इसको भी थोड़ा सा हम डाउन कर देंगे राइट साइड से। तो हम यहाँ पे आएंगे इधर और यहाँ पे आपको फिर बी स्टाइल पे जाना है और यहाँ से आई पे क्लिक करके डाउन कर देंगे। अब इतना करने के बाद हम थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे ताकि सबको दिखे, फिर यहाँ पे इसको भी इसके जगह पे यहाँ पे इजीली लगा देंगे। अब देखो इतना कर देने के बाद आप नीचे देखेंगे कि योगी सर ने नीचे जो है YouTube के लोगो यहाँ पे दो लगाए हुए हैं, देख सकते हो नीचे, तो इसे हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे आपको थोड़ा सा YouTube का जो लोगो है उसमें लेफ्ट साइड में जो है थोड़ा सा आपको ब्लैक ब्लैक शैडो देखने को मिल रहा है, तो हम इसे भी यहाँ अभी लगाएंगे। तो हम सिंपल सा इस थंबनेल का हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें इसे पहले डिलीट कर देते हैं, योगी सर वाले थंबनेल को हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है जो YouTube का जो लोगो है उसे लगाना है, तो मैंने इसे भी डाउनलोड कर रखा हुआ है, इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसे भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी पे जाता हूँ और मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। अब देखो मैंने इस लोगो को भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब करने के बाद मैं इसे कॉपी करके डबल कॉपी निकाल लेता हूँ क्योंकि हमें दो लोगो लगाना है, यहाँ पे मैंने कॉपी करके ला लिया है। तो हमें पहले वाले लोगो को पे लेफ्ट साइड में हमें शैडो लगाना है डार्क कलर का, तो हम इसे सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पे जो है हम फिर इनर शैडो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसे इनेबल कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक कलर सेलेक्ट हुआ है। इतना कर देने के बाद आपको जो ब्लर रेडियस है आपको इसे पूरा कर देना है। अब करने के बाद जो है आपको इसको इंक्रीज करना है थोड़ा सा, जो ऑफ सेट एक्स है आपको इसे इंक्रीज कर देना है। अब इतना इंक्रीज कर देने के बाद आपको सेकंड वाले लोगो पे जाना है और फिर से आपको इनर शैडो को एनेबल यहाँ पे कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लर रेडियस पूरा बढ़ा देना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ऑफ सेट एक्स को जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा इसे भी डाउन कर देना है, इसको माइनस में जाना है। ध्यान दीजिएगा कि आपको जो एक्स वाला है उसको इंक्रीज करना है और जो वाई वाला है आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज करना है। अब देखो इतना करने के बाद आपको ये पहले वाले यूट्यूब लोगों को थोड़ा सा बड़ा कर देना है और यहाँ पे आपको लगा देना है, कुछ इस तरीके से जो है आपको लगा देना है, एंड देन हो गया। और उसके बाद आपको जो सेकंड वाला यूट्यूब का लोगो है इसे छोटा करके आपको सिंपल सा यहाँ पे और छोटा करके यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया हमारा योगी सर की तरह थंबनेल तैयार। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आप योगी सर की तरह थंबनेल बना सकते हैं।